तो वेलकम बैक अगेन एवरीबॉडी। और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे, ठीक है। काफी कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने कर भी लिया था, ठीक। और ऐसे सुनने में आया कि आप सभी ने उस चैप्टर को पहले ही पढ़ डाला है। तो आज से मैं नेक्स्ट सेशन शुरू कर रहा हूँ, नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहा हूँ, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। जितना हो पाया एटॉमिक स्ट्रक्चर में उतना ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके जाके देख लो, ठीक है। और आई थॉट पहले से आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और उसकी वेटेज थोड़ी कम भी है, ठीक। बट चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो कंप्लीट कर क्वांटम लिया, नंबर ओके सीख लिया। हाँ, क्वांटम नंबर का एक सेशन हम ले लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये यूनिट जो ये जो बेसिक है, अब यहाँ से जो सीरीज चलेगी ना, वो हमारी स्पीड अप सीरीज होगी, इन द सेंस कि हम बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट को हम कवर अप करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। दिस इज लेक्चर नंबर वन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। और आज ही मैक्सिमम चीजें कवर अप होगी, ठीक। तो जो क्लास में ज्वाइन है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। वेल, मेरा नाम सोहम उपाध्याय है और आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट यूनिट अपनी। और आज के इस यूनिट में हम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में कंप्लीट डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट इक्वेशन वगैरह होगा, फिर उसके बाद हमारा कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। इसमें मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर लगेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। कोशिश करेंगे कि लॉन्ग सेशन रखें इसके लिए। वेल, मेरा नाम शुभ उपाध्याय है, जेई मेन क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम आईआईटी लखनऊ, आपका केमिस्ट्री मेंटर, ठीक, सेट टाइम बाउंड गोल पे। और अगर मैं मेन कंटेंट बताने से पहले थोड़ा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके अंदर है एमयू ट्रिपल ई 2023 के लिए गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 90 इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आप 90 चैप्टर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं एग्जाम एग्जाम के अंदर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसके अंदर कलेक्शंस ऑफ 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे। और अगर मैं थोड़ी और बातें करूं तो आप फ्री में आप एमयू के हर कोर्स के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। और साथ ही साथ ये गाइडेंस भी ले सकते हैं कि कैसे एमयू के एंट्रेंस के लिए इफेक्टिव प्रिपरेशन करें। बहुत इजी टू एनरोलमेंट प्रोसेस है, आप इसका एनरोलमेंट एप्लीकेशन के थ्रू जो एसटीबीजी एकेडमी ऐप जिससे आप अभी क्लासेस कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया वो डाउनलोड भी कर लो। प्ले स्टोर में जाके लिखो एसटीबीजी एकेडमी, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एसटीबीजी एकेडमी के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी। वहां से आप एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारी टीम को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ एबीयू बीएससी का जो एंट्रेंस है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा देगी, जिसके अंदर 5 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे और उसी के साथ साथ 500 प्रीमियम क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि बेस्ड होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू और एमयू के लेटेस्ट सिलेबस पे, है ना। तो एग्जाम देने से पहले सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, तो आपको इंफॉर्मेशन रखना है सिलेबस के बारे में। और उसी के साथ साथ अगर मैं सब्जेक्ट कवरिंग की बात करूं तो आपको मिल रहे होंगे मैथ विद अलॉन्ग विद बायोलॉजी, मैथ और बायोलॉजी कवर अप होंगे, साथ में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और इंग्लिश। तो ये इतने सारे मेन सब्जेक्ट जो होंगे वो कवर अप हो रहे होंगे इस पर्टिकुलर एमयू बीएससी का एंट्रेंस टेस्ट के टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो सेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको दिया। जाइए फटाफट इनरोल करिए इन सभी चीजों के अंदर। चलिए, तो आज जो हमारा सेशन है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है आज, ठीक है। सो आइए हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को मैं बहुत रैपिड लेके जाऊंगा, लेकिन ये इसके गारंटी मैं लेता हूँ कि चीजें जरूर समझ में आएंगी आपको, ठीक है। एक बेसिक इंट्रो शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। तो यार, केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स के वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, कि जो हमारी सेल्स होती है, जो बैटरीज होती है, जो सेल जो जो डिवाइस होती है ना, उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन, वो कैसे काम करता है। इस पूरे पर्टिकुलर केमिस्ट्री के ब्रांच को हम स्पेशल स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल के हेल्प से। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज सेल। तो यार, सेल नाम सुनते ही दिमाग में एक शब्द ये आता है कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सेल एक ऐसी डिवाइस है
जो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये सेल की एक बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। तो आओ लिख लो सेल के बारे में कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी नॉट मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। टर्न ऑफ योर वीडियो कैमरा इंटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि सिर्फ सेल ये एक ऐसी डिवाइस होगी बताओ, जो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगी, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगी। तो एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल या केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होगी सेल के हेल्प से ही, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल होती है दो तरह की, जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो बेसिकली आज जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि पहले हम बारी बारी से दोनों सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा फोकस रहेगा कि हम आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को शुरू करेंगे। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर दो चीजें डिवाइडेड है। एक तो आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइक सेल, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइक सेल, या फिर इसी को बहुत सारी बुक में वोल्टाइक सेल भी लिखा होता है, वोल्टाइक सेल, है ना। तो या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए, या गैल्वेनिक सेल बोलिए, या बिल्ट वोल्टाइक सेल बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आओ पढ़ते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, फिर समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, उसके बाद इन डिटेल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इसके नाम में जाओ, नाम में है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है ना, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। वेयर एज अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। बट फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिखो कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कैसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करूं, तो मैं लिखाऊंगा नहीं, बस इतना समझ लूं, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी। मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होंगे, आउटपुट में आपको केमिकल एनर्जी मिल रही होगी, और यहाँ क्या है कि आप केमिकल एनर्जी दे रहे होंगे, और क्या वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सेल के बारे में, शुरुआत हो रही है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हमने सबसे पहले डिफाइन किया, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नोट डाउन करनी है, वो यहाँ कर लीजिए। मैं यहाँ दो सेल बना देता हूँ, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है ना, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक किसमें चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में। मतलब सेल का काम है एनर्जी को एक्सचेंज करना, है ना। तभी तो शुरुआत में मैंने क्या लिखवाया,
इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो शेल को दो तरह से डिफाइन किया गया। अब देखो, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो थोड़ा याद कर लो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी थ्योरी में पुटअप हो जाती है। और वो ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसको हम गैल्वेनाइक सेल भी बोलते हैं, है ना, ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर हो रहा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का पहले मतलब समझो। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ना कि ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा हो, आपको कोई इनपुट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर से। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, बाय देयर ओन। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिनमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन और और रिडक्शन, रिडक्शन एक साथ हो रहा हो। यानी यहाँ यस सर। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों एक साथ होगा, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है जिसको रिडॉक्स बोलते हैं, ये स्पॉन्टेनियस यानी कि अपने आप होगा, आपको कोई इनपुट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। वेयर एज अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं होगा। इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। इसके अंदर ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों साथ में हो रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं, इसके अंदर आपको इनपुट देनी पड़ेगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो कई बार सवाल ये भी पुटअप हो जाते हैं कि बताओ दोनों में से कौन सा सेल स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप रिएक्शन करे बिना कोई इनपुट को दिए हुए, और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप क्या करे, रिएक्शन ना करे, उसको आपको कुछ ना कुछ इनपुट देनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन पुट फॉरवर्ड होगा। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहले तो कि वो करता क्या है उसका वर्किंग, दूसरा स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, और तीसरी चीज डेल्टा जी की वैल्यू, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं। आपने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ी होंगी, तो मुझे बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ ये समझा देता हूँ कि जब भी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। अगर नहीं पता है तो याद कर लो बस यहाँ से। और जब भी कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो, तो एज यूजुअल उल्टा हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें याद यस। रख लो कि जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात होगी, या गैल्वेनाइक सेल की बात होगी, या वोल्टाइक सेल की बात होगी, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव रहेगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात होगी, तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये तीन चीजें थ्योरी के अंदर पुटअप की जाती हैं बहुत बार, ये आपको पता होनी चाहिए। पहला उसका वर्किंग, दूसरा स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी की वैल्यू किसके लिए क्या होगी, याद रहेगा। क्लियर? यस सर, ये चीजें क्लियर हो गई? चलो, यस सर। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल शेल को शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक हम बाद में पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिकल, या इलेक्ट्रोकेमिकल को लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, गैल्वेनाइक सेल। गैल्वेनाइक सेल के बारे में हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले गैल्वेनाइक सेल के बारे में आपको क्या पढ़ना है, मैं पॉइंट के एक रिगार्डिंग में चीजों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ये जो गैल्वेनिक सेल है वो एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ चीजें यहां से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, इसके अंदर मैं समझाता हूँ अभी कि मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक एक सेकेंड। क्या हो गया, क्लिक क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्लिक हो रहा है, एक सेकेंड देना। ठीक, एक सेकेंड, चलिए अब आइए, अब आइए वापस आते हैं।
गैल्वेनिक शेल के कंस्ट्रक्शन पे, सबसे पहले गैल्वेनिक शेल को बनाया कैसे जाता है ये हमको देखना है। ठीक, गैल्वेनिक शेल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो बीकर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ दो बीकर लिया हुआ है ना, ये दो बीकर हैं आपके। ठीक, ये दो बीकर ले लिया हमने। ठीक, हमने क्या किया कि दो बीकर लिया और दोनों बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। और ये इलेक्ट्रोड किस नेचर के होते हैं मैं अभी बताता हूँ, फिलहाल थोड़ा एक इलेक्ट्रोड ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड एंड इसी को कॉपी करके हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई। ठीक, ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड है हमारी। ठीक, आ जाओ, हमने दो इलेक्ट्रॉन लिया, पहले तो बीकर लिया, सेटअप समझो, पहले दो बीकर लिया फिर दो इलेक्ट्रॉड लिया। अब इस बीकर के अंदर हमने क्या किया ना, हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया सर और इसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन को फिल कर दिया। है ना, हमने दो एक्वा सॉल्यूशन लिए, दोनों को फिल कर दिया। और ये सॉल्यूशन किसका किसका था, पहला सॉल्यूशन हमने लिया जिंक सल्फेट Zn-SO4 का, दूसरा सल्फेट दूसरा कॉपर सॉल्यूशन लिया हमने कॉपर सल्फेट C-SO4। सेटअप सल्फेट समझो ध्यान से, पहले दो बीकर लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लाएंगे। ठीक है, अंदर क्या भरेंगे, फर्स्ट वाले बीकर के अंदर हमने भर दिया जिंक सल्फेट Zn-SO4 और दूसरे के अंदर भर दिया कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। है ना, अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रोड जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो पहले इलेक्ट्रोड को हम जिंक का इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, मतलब जिसका सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड। दूसरा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो यहां हम किसका कौन सा इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड लेके आते हैं। है ना, हमने दो इलेक्ट्रोड लाए, पहले दो बीकर फिर दो इलेक्ट्रोड, फिर उनमें क्या किया, उनका एक्वा सॉल्यूशन भर दिया। पहले पहला जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है, जिंक का है, मतलब जैसा उसका सॉल्यूशन उसी नेचर का इलेक्ट्रोड। यहाँ सॉल्यूशन हमने भरा Zn-SO4 तो उसके अंदर हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। दूसरा बीकर में अंदर हमने Cu-SO4 भरा तो उसके अंदर हमने कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। ठीक है, अब एक और जानकारी, ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन है तो मैं एक ही लिख देता हूँ। ठीक है, और इनका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है ना, हमने 1 मोलर का कंसंट्रेशन रखा इनके सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर, तो जैसा सोल्यूशन उसी नेचर का इलेक्ट्रॉड, तो Zn-SO4 का सोल्यूशन भरा तो जिंक का इलेक्ट्रॉड उसके अंदर डिप कर देंगे और Cu-SO4 का सोल्यूशन भरा तो उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रॉड डिप कर देंगे। ठीक, क्लियर, यस ये इतनी सर। चीजें क्लियर है, ये अभी सेटअप हम कर रहे हैं इसलिए हमने देखो नाम दिया है कंस्ट्रक्शन, तो मैं साइड में यहां लिख देता हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉड इसका है कौन से मेटेरियल का है, जिंक का, कॉपर और ये इलेक्ट्रॉड कौन से मेटेरियल का है, कॉपर का। का अब देखो, अब यहां दो इलेक्ट्रॉड है। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं जो है हमारा वर्किंग। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन, अब क्या बढ़ते हैं हम वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में वायर के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और बीच में देखो यहाँ सर्किट, अगर मैं थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे सर्किट को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ ताकि ताकि यहाँ हम एक स्विच लगा सके। मान लो लेट्स से ऑन करने के लिए हमने क्या किया, स्विच लगा दिया। ठीक, तो हमने इनके दोनों सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अभी ये सर्किट ऑफ है, अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक ठीक है, अब देखो, अब वर्किंग को हम समझते हैं। पहले तो कंस्ट्रक्शन समझ लिया, बीकर लाया उसके अंदर सोल्यूशन भरा, 1 मोलर सोल्यूशन था, एक में जिंक का इलेक्ट्रॉड एक में कॉपर का इलेक्ट्रॉड। ठीक, अब वर्किंग को समझते हैं, गैल्वेनिक शेल की वर्किंग क्या है। वर्किंग ये है कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे यहां रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। इस सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिडक्शन प्लस एज वेल एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी दोनों रिएक्शन होगी। अब देखो कैसे होगी, थोड़ा समझो ध्यान से। जैसे ही हमने क्या किया, सर्किट को कंप्लीट किया, देखो ये सर्किट कंप्लीट हो गई है ना, यस सर। यहां हमने जैसे ही वायर को टच करा दिया, जैसे स्विच को क्लोज किया, हुआ क्या कि जो एनोड है ना, इसमें से एक जो इलेक्ट्रॉड होता है जिसको एनोड बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉड होता है जिसको कैथोड बोलते हैं। है ना, याद रखिएगा हमेशा, लेफ्ट साइड के बीकर में हमने एनोड लिया है, राइट साइड के बीकर में हमने कैथोड लिया है, और एनोड जो वाला जो होता है ना, एनोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होना नहीं शुरू हो जाता है।
और कैथोड वाला जो लेफ्ट जो राइट साइड में रखा गया है इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर रिडक्शन होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब बार बार कंफ्यूजन ये क्रिएट हो जाती है कि सर कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, तो इसके लिए एक न्यूमोनिक याद कर लीजिए, LON, लोन। लोन से क्या याद रखेंगे, एल से लैक लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ए से एनोड और एन से निगेटिव। मतलब कि सर ये जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जो ये वाले बीकर में है, जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, वो एनोड की तरह काम करेगा, जो जिंक वाला है, मतलब जो जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है और उसपे क्या होता है ऑक्सीडेशन। और जो राइट में रखा गया है ये वाला दूसरे बीकर के अंदर जो कॉपर का है, वो क्या करता है उसको कैथोड की तरह काम करता है और इसपे क्या होता है रिडक्शन। और इसको याद कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड जो रखा है, लेफ्ट साइड जो रखा है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो इलेक्ट्रोड किस नेचर का होता है, एनोडिक नेचर होता है, और वो क्या होता है निगेटिव होता है। कैसे, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो मैं तुमको समझाता हूं कि ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जब आप नोट्स देखेंगे तो देखोगे तो आसानी हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कैसे आपको याद रखना है, LON, ये लिख लो। लेफ्ट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड और एन मतलब निगेटिव। अब होगा क्या कि जो ही जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन शुरू होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पूरा इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसलिए मैंने देखो यहाँ लास्ट में निगेटिव लिखा है, तो आप समझ सकते हो इस लोन वाले शब्द को याद करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि लेफ्ट साइड जो इलेक्ट्रोड रखा होता है वो एनोड की तरह काम करता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और चार्ज क्या होता है उस पर निगेटिव होता है। तो अगर एक निगेटिव हो गया तो जाहिर सी बात है सर दूसरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव, यस सर। यानी दूसरा इलेक्ट्रोड जो जो तुम्हारा कॉपर का है उसका नेचर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव नेचर हो जाता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, अब देखो क्या यहाँ पोलैरिटी क्रिएट हो गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और दोनों में यस क्या सर। क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। जिसके वजह से होता क्या है कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉड पे, जिंक वाले इलेक्ट्रॉड पे जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल होते हैं, अब ये मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स किधर, कैथोड के साइड। यानी अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो जाती है। अब सवाल यह रहा होगा कि सर यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, आपने तो ये बताया नहीं, आपने बोला कि नेगेटिव चार्ज डेब्यूट हो गया, ठीक है, चलिए समझ में आता है कि नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपने नहीं बताया स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। यार वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड में तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो यस सर। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ लॉस, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन आए वो किसके वजह से आए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया सर। मतलब कि एनोड पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो इसीलिए एनोड निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन के वजह से वहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन, यस सर, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल यस पढ़े होंगे। सर। और उसमें रिडक्शन में क्या होता है भाई, वेरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गुड, जैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब अब यहाँ जो जिंक का जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉड था, जो एनोडिक नेचर का था, जो एनोड था, जिस पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ट्रेवल करना शुरू कर दिए किधर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब देखो एट एनोड, एनोड पे क्या क्या हो रहा है ये देखो, एनोड पे कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रॉड है, जिंक मटेरियल का इलेक्ट्रॉड है, और गेन जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, मतलब ये जो जिंक था जो सॉलिड स्टेट में था उसने क्या किया, अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट कर दिया और दो इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया। यानी एनोड का रिएक्शन लिखे तो ये लिख सकते हैं, जिंक जो यस कन्वर्ट किसमें हो रहा है, Zn2+ में, और दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। सिमिलरली अब ये जो रिडक्शन हो रही है, अब यही इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रॉड टू कैथोड, कहां, जिसपे कॉपर बैठा हुआ है। अब यहां रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो एनोड था जो जिंक था वो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, तभी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, अब ये दो इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, जाके चिपक जाएंगे
जो कॉपर है जो Cu2+ में है ना, जो ऑलरेडी रिडक्शन क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ जो कॉपर होता है यहाँ, ये अगर नहीं पता है तो याद रख लो, यहाँ जिंक जो है ना वो सॉलिड स्टेट में होता है अभी, ठीक, और यहाँ जो कॉपर जो है वो क्या है, अपने आयंस के फॉर्म Cu2+ के फॉर्म में होता है। अब जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में, और कॉपर क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu कॉपर में, और सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तभी तो रिडक्शन हुआ। कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ा वो दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने एक्सेप्ट करके अपने आप को क्या किया, सॉलिड बना लिया, और सॉलिड फॉर्म हो गया। यानी अब यहां जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे थे, जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, अब यही इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कहां से कहां ट्रेवल करना शुरू कर दिए, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो एनोड से दो इलेक्ट्रॉन निकला और पहुंच गया कहां, कैथोड के पास, जहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कैसे होगा भाई, जब Cu2+ आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तभी तो रिडक्शन होगा, मतलब ये एट कैथोड हो रहा है, ये एट कैथोड हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, याद सर, रखिएगा, रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा होगा। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो तो वहां एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है हमेशा। तो ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी कैथोड के लिए, ये रिएक्शन हो गई तुम्हारी एनोड के लिए। अब इन दोनों रिएक्शन को ना हम बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, यानी क्या है, आपसे हाफ सेल रिएक्शन है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे को नेट सेल रिएक्शन बता दो भाई, तो तुम क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, तो आओ दोनों को जोड़ दिया जाए, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन साथ में, Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu कॉपर सॉलिड में। में, यहाँ सॉलिड था है ना। अब देखो, अब ये दो से दो इलेक्ट्रॉन काट सकते हो, तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn+ Cu2+ यूट्यूब HCU, Zn2+ और जेडिंग Cu। और मैं तुमको क्या बताया था कि यहाँ जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहे होते हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। अब देखो, तुम यहां से कंफर्म भी कर सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, यहां से, यहां देखो, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, मतलब सर यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है, और कॉपर टू प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ओहो मतलब यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब एक ही रिएक्शन में सर दोनों देखने को मिल गया। और जब एक साथ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं तो साथ में क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ, देख लिया रिएक्शन से, क्लियर, ये देख लिया यस सर तुमने, ये है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ योर गैल्वेनाइक सेल। रिपीट कर देता हूं एक बार और मैं, ठीक है, क्या किया, सबसे पहला सेटअप हमने लिया, सेटअप के अंदर क्या किया कि ये जो दो हमने बीकर लिए, दोनों के अंदर क्या किया, एक्वा सोल्यूशन भर दिया, किसका, एक के अंदर जिंक सल्फेट का, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी ली, 1 मोलर, डेटा के लिए आप याद कर सकते हैं, ठीक। अब जिंक सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन था उसके अंदर हमने जिंक के नेचर का इलेक्ट्रॉड भर दिया, और कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रॉड भर दिया, ठीक, ये तुम्हारी कंस्ट्रक्शन वाली पार्ट हो गई। अब वर्किंग वाले पार्ट के लिए मैंने तुमको क्या बताया कि वर्किंग वाले पार्ट के लिए दो इलेक्ट्रॉड है, एक एनोड की तरह बिहेव करता है, एक कैथोड की तरह बिहेव करता है। एनोड पे क्या हो रहा होगा भाई, एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, याद करने के लिए आप लोन से याद कर सकते हैं, लेफ्ट जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है वो एनोड है, इसको ऐसे भी याद कर सकते, जो राइट साइड में रखा हुआ है वो क्या है, कैथोड है, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा जिसका नाम एनोड होगा, और ऑक्सीडेशन की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए मैंने लोन लिखा है यहाँ, LON, लोन मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, और N मतलब निगेटिव। सिमिलरली अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो क्या किए, एनोड पे क्या किए, जब जिंक जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कन्वर्ट होगा, रिलीज करने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब ऑक्सीडेशन हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है आप क्या किए, मूवमेंट करना शुरू कर दिए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक रिलीज किया है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, Cu2+ कॉपर के पास, ठीक है। अब Cu2+ कहाँ से आया तुम्हारे मन में ये सवाल हो रहा है, तो ये समझो ना कि जब आप एक्वा सोल्यूशन CuSO4 का लेते हैं तो Cu2+ में टूट जाएगा और SO4 2- में टूट जाएगा, क्लियर, तो यहाँ से Cu2+ आयन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, तो यहाँ भी तुम्हारा अंदर क्या भरते जाएगा, अरे यार जिंक, जैसे ही जिंक 2+ से कन्वर्ट हो रहा है तो अंदर जिंक 2+ बढ़ते जाएगा ना, SO4 2- तो है ही, साथ में जिंक 2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, है ना, तो इसके अंदर जिंक 2+ बढ़ रहा है, इसके अंदर कॉपर सॉलिड बढ़ रहा है, यहाँ जिंक बढ़ जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना रहा है, इसलिए जब आप देखते हो ना, है ना,
तो बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो जैसे ही रिएक्शन आगे बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, ये जो तुम्हारा जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना वो एक्चुअली मोटा होते जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे उसके ऊपर जिंक कॉपर की जो सॉलिड की लेयर होती है वो डिपॉजिट होते जाती है, इसी की वजह से ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। और जिंक जो है वो पतला होता जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक लगातार दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा पतला हो जाता है और राइट वाला मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किधर, राइट वाले में, तो जिंक लगातार Zn2+ में कन्वर्ट होते जाता है और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को कॉपर एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या करता है कॉपर मेटल यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए थोड़ा मोटा हो जाता है। क्लियर? तो आप ये चीजें भी याद रख सकते हो। क्लियर हो गई? में। यस अब मैं यहाँ एक और सर, बात डिस्कशन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको नोट कर लूँ, सबको ये चीजें पता होंगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लिखूं तो क्या ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है? यस बिल्कुल सर, ऐसा ही है। एनोड तो में बताओ करंट किधर आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जा रहा है तो करंट किधर से किधर आएगा? कैथोड टू एनोड, ये करंट की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करती है ना करंट, पता तो है, ये करंट की यस डायरेक्शन है। तो याद रख लो, यहाँ कई बार सवाल बन जाते हैं तो नोट करके लिख लो। कई बार डायरेक्टली ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, कई बार बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो इस चीज को याद रख लो। इसमें इन इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये अभी सारी चीजें इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक में मत इसको जोड़ देना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक अलग है, गैल्वेनिक सेल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड, इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड, एनोड टू वेयर एज द फ्लो ऑफ करंट इज कैथोड द टू फ्लो एनोड, ऑफ करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड। वेरी गुड। ठीक, रिप्रेजेंटेशन से याद कर लें तो ऐसे याद कर लो, एनोड टू कैथोड ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इधर आई मतलब करंट। करंट करंट ठीक है, ये एक लाइन से भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये बात यस तुम्हारी किसकी, गैल्वेनाइक सेल, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, क्योंकि गैल्वेनाइक सेल के अंदर आपने एक और टर्म पढ़ा होगा, वो है शॉर्ट ब्रिज। सुना है सबने यस सर, शॉर्ट ब्रिज? आओ अब समझते हैं शॉर्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक, देखो मैं बहुत तेज जा रहा हूं लेकिन फिर भी तुमको समझ आ रहा होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। चीजें क्लियर हो रही है? शॉर्ट ब्रिज, देखो हम इतना जल्दी शॉर्ट ब्रिज पे आ गए। ठीक है, इससे आओ देखो क्लियर हो रहा है। सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा ये समझो। सबसे पहले तो समझो कि आखिर अगर हम गैल्वेनिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते क्यों है, क्या नीड है और एक्चुअली होता क्या है ये। ठीक है, आओ जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जैसे जैसे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा होता जिंक के ऊपर, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, Zn2+ में। इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, SO4 तुम्हारे समझ नहीं आ रहा है ना, ये इसको लिख लो SO4 2-। चलो अब देखो, जैसे जैसे जब हमने सर्किट कंप्लीट की तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ कहां से कहां, फ्रॉम जिंक टू कॉपर, फ्रॉम जिंक टू कॉपर मतलब फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ तो साथ में करंट भी जनरेट हो गया। ठीक है, करंट भी आया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा था चल रहा चल रहा था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जो ही हमने क्या किया, यहां हमने एक वोल्टामीटर लगा रखा था ताकि हमको हमेशा बराबर पोटेंशियल मिलता रहे। ठीक है, तो मैं हमें पता चलते जा रहा था कि हाँ यहाँ करंट का फ्लो हो रहा है ना, पता कैसे करें, तो यहाँ हमने एक वोल्टामीटर लगा रखा था तो हमको वोल्टेज कंटिन्यूअस मिल रहा था। अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद यहाँ वोल्टेज जो है, और इसके साथ अगर एक और चीज नोट कर लो तो यहाँ हमने एक बल्ब भी लगा रखी थी, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था कंटिन्यूअस जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा था। अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस कुछ ही सेकेंड्स हुए थे, जो ही हमने सर्किट कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हुआ, बल्ब एक बार तुरंत जला और फिर तुरंत बल्ब बुझ गया। मतलब अब यहां ये हो गई कि सर्किट जो है वो कहीं ना कहीं अब सर्किट ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि अगर सर्किट कंटिन्यूअस होती तो हमको लगातार वोल्टेज मिलता और बल्ब जल रही होती, लेकिन जो ही हमने सर्किट कनेक्ट किया एकदम माइन्यूट सेकेंड के लिए, थोड़े देर के लिए बल्ब तो जला लेकिन फिर उसके बाद बल्ब का जलना क्या हो गया, बंद हो गया। मतलब अब ना तो हमको वोल्टेज मिल रहा है ना ही हमको करंट मिल रहा है। इससे तो यही समझा जा सकता है ना, अगर बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब कहीं सर्किट ब्रेक हो गई है, करंट नहीं मिल रहा है ना। तो इसके ऊपर रिसर्चेज हुई कि यार अभी हमने सेल को सेटअप किया था, अब
हमको वोल्टेज में मिला, थोड़े टाइम के लिए मिला, मोमेंटरली मिला, मोमेंटरली मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए हमको वोल्टेज मिला, बहुत छोटे से टाइम के लिए हमको क्या मिला, करंट मिला, बल्ब जला भी था, लेकिन फिर उसके बाद बल्ब का जलना बंद हो गया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं रहा, कंटिन्यूअस होता तो लगातार बल्ब जलती, लगातार हमको वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक मोमेंट के लिए हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। अब इसके पीछे का रीजन समझो ऐसा क्या हुआ। तो जब इसके ऊपर स्टडी की गई तो हमको ये पता चला, ये जो सर्किट है, जो ही हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो एक मोमेंट के लिए सर्किट कंप्लीट होती है, उसके बाद ये सर्किट ब्रेक हो जाती है। और ऐसा क्यों, देखो अब यहीं से शुरू होता है कॉन्सेप्ट सॉल्ट ब्रिज का। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ना सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहले तो तुमको क्या ये चीजें समझ आए कि क्यों सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि कंटिन्यूअस सर्किट मेंटेन नहीं हो पा रही थी, यस सर्किट ब्रेक सर, हो जा रही थी, इसीलिए हमने क्या किया सॉल्ट ब्रिज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर। क्योंकि यार अगर हमको कंटिन्यूअस करंट चाहिए तो यार सर्किट को तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तभी तो करंट का फ्लो कंटिन्यूअस होगा। अरे तुमने ये चीज तो पढ़ी है कि करंट कहाँ फ्लो होता है, एक क्लोज सर्किट होती है तभी करंट का फ्लो होता है, अगर सर्किट कहीं से टूटी हुई है तो हम उसको ओपन सर्किट मानते हैं, करंट नहीं फ्लो होगा, है ना। इसका मतलब यस अगर सर, बल्ब नहीं जल रहा है मतलब सर्किट कहीं ना कहीं ओपन है। तो अब यहीं से कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ किसका, सॉल्ट ब्रिज का। अब इसके पीछे का रीजन समझो कि सर ऐसा क्यों हुआ, बल्ब जला थोड़ी देर के लिए फिर जलना डिम हो गया क्यों। अब देखो जैसा मैंने तुमको यहाँ इसको ऐसे समझ लो, मैं दो बीकर को साइड में कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं तो मैसी हो जाएगा एकदम। अंदर क्या भरा है, यहाँ जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रोड है, ठीक। अंदर समझ जाना, मैं इसको मिटा देता हूँ, अंदर समझ जाना कि ये सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन्स को मैं मिटा देता हूँ, समझ जाना कि अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है, ठीक। अब लगातार जो ही हमने क्या किया सर्किट कनेक्ट किया तो यहां से जिंक 2+ यहां बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, टू जिंक 2+ में। तो अगर मैं प्लस देखूं तो शुरुआत में जब हमने सर्किट कंप्लीट नहीं की थी तो जितना अमाउंट में जिंक 2+ था उतना ही अमाउंट में SO4 2- था, क्लियर। माइनस सर, सिमिलरली अगर मैं CuSO4 की बात करूं तो जितना अमाउंट में Cu2+ था उतना अमाउंट में SO4 2- था, मतलब दोनों का जो कंसंट्रेशन था वो शुरुआत में कितना था, 1 1 मोलर लिया था, मतलब वन 2+ का होल कंसंट्रेशन और SO4 2- कंसंट्रेशन बराबर था इनिशियली जब हमने सर्किट को अभी शुरू नहीं किया था तब, ठीक है। सिमिलरली CuSO4 में भी कॉपर आयन्स और सल्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या था, सेम था, ठीक। अब जैसे ही हमने सर्किट को कनेक्ट किया तो अब पहले वाले, अगर मैं एनोड के अंदर बात करूं मतलब पहले वाले बीकर के अंदर बात करूं जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो उसके अंदर तो ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से जिंक लगातार किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, जिंक 2+ में। टू प्लस तो ये बताओ अगर जिंक लगातार जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये जिंक 2+ सोल्यूशन में मिलता जाएगा। यस सर, जैसे ही जिंक 2+ सोल्यूशन में मिलता जाएगा यहाँ क्या होगा, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगी एज कंपेयर टू सपोर्ट टू माइनस से माइनस। सिमिलरली अब यहाँ देखो, यहाँ कॉपर 2+ और SO4 2- का कंसंट्रेशन सेम था, अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अंदर, मतलब अब यहाँ डिपॉजिट होना क्या शुरू हो जाएगा, कॉपर, कॉपर मतलब यहाँ कॉपर आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉपर आयन घटते जा रहा है एज कंपेयर टू SO4 2-, क्योंकि कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, लगातार 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कॉपर का जो आयन है। अरे यार अभी हमने पीछे देखा ना कि Cu2+ लगातार 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये आयन्स तो घट रहे हैं ना, Cu2+ का यस सर, कंसेंट्रेशन तो कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो आयन्स है वो अब सॉलिड फॉर्म में जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन को लेके। अब जो ही ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होने लगा तो हमने ये देखा कि यार अगर पहला वाला बीकर देखिए जो लेफ्ट साइड में है, इसके अंदर जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू SO4 2-, एसओ टू और लेफ्ट वाले में माइनस देखा तो यार SO4 2- का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया क्योंकि Cu2+ कम होते गए, वो सॉलिड में कन्वर्ट होते गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे ही जिंक 2+ यहाँ खूब सारा भर जाएगा, अब जो ही जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज है देखो, यानी अगर जिंक 2+ यहाँ बढ़ते जा रहा है पहले वाले बीकर के अंदर, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, और यस सर, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेंगे तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने देंगे, नो सर, नहीं, ये खुद जिंक 2+ अपने इलेक्ट्रॉन को वापस फिर खींचने लगते हैं, क्योंकि जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो कैसा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर जाने ही नहीं देते हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो जाता है, रुक हो जाता है। और मान लो कि एक आध इलेक्ट्रॉन जो ऊपर थे वो चले भी गए तो यहां जो है वो SO4 2- बढ़ गया, मतलब यहां निगेटिव चार्जेस बढ़ गए,
वो इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देंगे नीचे, वो रिपेल करेंगे। मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को कोई जाने नहीं दे रहा है। मान लो एक आध दो इलेक्ट्रॉन निकल भी गए, अगर वो जाके जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो वहां चिपक नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि ये जो पूरा सोल्यूशन है वो कैसा चार्ज हो गया है, क्योंकि अच्छा SO4 माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज हो गया यार। जब ये पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज हो गया है तो निगेटिव निगेटिव तो रिपेल करता है ना, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा ना, तो अब ये SO4 माइनस है, ये इसको आने नहीं देगा, ये रिपल्शन बहुत ह्यूज रिपल्शन करेगा, बोलेगा चल निकल बाहर, जहां से आए हो उसी रास्ते में चले जाओ। मतलब यहां से ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या ना है, यहां से ना तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिंक से, और ना ही कॉपर के पास जा पा रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से सर्किट क्या हुई, ब्रेक हो गई। ओपन, यस क्लियर? सर, ये था सॉल्ट यस, ब्रिज का रीजन, ये था सॉल्ट ब्रिज का रीजन। क्लियर? वो जो मैसी चीजें हैं, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक, अपने वीडियो के अंदर देख के नोट कर लिया होगा, यहां से इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यस सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, समझ आया? सर, सॉल्ट क्योंकि ब्रिज का कॉन्सेप्ट सर्किट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, डिस्टर्ब समझ आया? रहती है, क्लियर हो यस गया? सर, चलो आओ आओ, अब आप अब लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज। आओ अब सॉल्ट ब्रिज पे आ जाते हैं वापस से। ठीक, चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसके पीछे का रीजन लिख लो। रीजन क्या है, रीजन फॉर दिस कॉन्सेप्ट, सॉल्ट ब्रिज के आने का कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगेन वही मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, जो मैंने पीछे किया था, ताकि आपको नोट्स के अंदर ये चीजें ड्रॉ करने में आसानी होगी। दो बीकर था, वही पहला और दूसरा। ठीक, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रॉड जिंक का, यहाँ तुम्हारा कॉपर का, अंदर लगातार क्या बढ़ते जा रहे थे, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, जो मैंने पीछे बताया, और यहाँ यहाँ SO4 2- बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जिंक टू माइनस प्लस का बता था कंसंट्रेशन कम होते जा रहा था। इनिशियली क्या था, शुरुआत में इनिशियली दोनों बराबर थे, जिंक 2+ और SO4 2-, SO4 2 माइनस, जैसे लिख देता हूँ, जिंक 2+ और SO4 2- दोनों शुरुआत में क्या थे, बराबर थे। ठीक है, जिंक 2+ और SO4 2- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था, दोनों के आयन का कंसंट्रेशन सेम था। ठीक है, यहां भी अगर देखो तो Cu2+ किसके बराबर था, SO4 2- के बराबर था, लेकिन क्या आफ्टर आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर ओके, ऐसे लिख लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होने लगा, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू SO4 2-। किधर, ये फर्स्ट वाले बीकर पे, और ये सेकंड वाला बीकर है ना, और इधर क्या हो गया, Cu2+ का कंसंट्रेशन घटने SO4 2 माइनस, लगा एज कंपेयर टू SO4 2-, जिसकी वजह से क्या हुआ, वैसे लिख लो, ड्यू टू दिस सर्किट ब्रेक कर गई, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। यस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड एंड द सर्किट सर्किट इज ब्रेक, गेट्स ब्रेक, गेट्स ब्रेक, एंड द सर्किट गेट्स ब्रेक। क्लियर? यस सर, एंड द सर्किट गेट्स ब्रेक, अच्छे से लिख देते हैं। एंड द सर्किट गेट्स ब्रेक। ठीक, अब इसी प्रॉब्लम को सही करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट प्लीज। सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। अब क्या होता है सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेप्ट में, मैं बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वी इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट सॉल्ट प्लीज, नेम्ड सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो आओ अब यहां से एक्चुअल शुरू होता है सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन, सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन यहां से शुरू होते हैं। ठीक है, क्या है सॉल्ट ब्रिज पहले वो देखेंगे, फिर उसका फंक्शन क्या है वो देखेंगे, ठीक, और कैसे काम करता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन एंड इट्स मेन फंक्शन, पूछे भी जाते हैं बहुत बार सवाल के अंदर। ठीक है, आओ अगेन वही दो बीकर ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, यहां से कॉपी करके इन्हीं दो बीकर्स को कॉपी कर लेते हैं यहां से। आई थॉट कॉपी नहीं होगा क्या, ये हो गया होगा।
यस, और इसको भी यहां से कॉपी कर लो, उठ जा गिरा भाई, दो बीकर। अब देखो अभी हम सॉल्ट से कॉन्सेप्ट रिड्यूस करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शेप्स ब्लैक आउटलाइन, ठीक है, नो आउटलाइन, इसको उठा के यहाँ पेस्ट कर दो। चलिए एक सेकेंड, आई थॉट ये ऊपर नीचे हो गया, इसको एक टाबर रखना है ना। चलिए ये बी करते, ठीक है, ये बी कर है, मतलब ये हमारा बी कर है, ठीक। इसके अंदर वही क्या लगे थे, एक तो तुम्हारा जिंक और इलेक्ट्रोड यस, अब तो कॉपर एक एक तो तुम्हारा कॉपर, दूसरा था जिंक। एक सेकंड, आओ वापस से ड्रॉ ही कर लेते हैं यहाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इस चीज को थोड़ा इग्नोर करिए पहले से, अगले टाइम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम ही क्या करूंगा ना, पूरा सेटअप पहले कर लूंगा, ठीक है, कि मुझे एक्चुअली क्या बताना है क्या नहीं। चलिए चलिए, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉड से मैं दोनों डिफरेंट कलर से करती है, ठीक है। अब देखो अब सॉल्ट ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए कि अंदर आपका भरा हुआ है सोल्यूशन, ठीक है, इसको मैंने बार बार दिखाने की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है, किसका, इसमें जिंक सल्फेट का, इसमें कॉपर कॉपर सल्फेट सल्फेट का, ये का। इलेक्ट्रॉड जिंक का, ये क्या है कॉपर का, ठीक। पीछे जो चीजें थी सिमिलर चीजें, अब देखो यहाँ समझो वही चीज है, सर्किट के बारे में थोड़ा क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, है ना, बीच में आपका वोल्टा मीटर लगा है, ठीक, समझ जाइएगा सर्किट या हमारी। अब इसमें देखो अब होता क्या है ना, मैं तुमको समझाता हूँ, पहले यहाँ सिर्फ यही एकमात्र सर्किट नहीं है, अब सर्किट यहाँ इंट्रोड्यूस होगी एक और, जो सर्किट होती है किससे आती है, सॉल्ट ब्रिज से आती है। अब क्या है कॉन्सेप्ट जरा ये समझो, हो क्या रहा था, यहाँ जिंक 2+ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है SO4 2- कंपेरिजन में, और यहाँ Cu2+ बहुत ज्यादा कम हो चुका है एज कम्पेयर टू SO4 2-, मतलब अब पूरी तरह अच्छा तबाही हो चुकी है, तबाही इन द सेंस कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है, सब रुक चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या इंट्रोड्यूस होता है, यहाँ इंट्रोड्यूस होता है सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले समझो कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली है ना एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है, इट इज अ इन्वर्टेड इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज क्या है, नाम से समझो ब्रिज, ब्रिज का काम कर रहा है, ब्रिज का काम इन द सेंस ना कि सॉल्ट ब्रिज क्या करती है ना, कि एक उल्टी यू शेप्ड ट्यूब होती है, जैसे ये एक ऐसी ट्यूब होती है, ऐसे ये देखो थोड़ा सा यू की तरह दिख रहा है और इन्वर्टेड है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक यूनिफॉर्म होता है, और शेट इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो यहाँ से, ओ एक जगह मोटा एक जगह पतला नहीं होता है, ठीक है, वो गलती से ड्रॉ हो गया मेरे पेन से। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो यूनिफॉर्म रखना आप सभी लोग, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म रहता है, तो ये शॉर्ट ब्रिज होती है तुम्हारी, एक ऐसी शेप्ड की ट्यूब होती है, ये ऐसी शेप की ट्यूब होती है, इसको यू शेप्ड ट्यूब बोलते हैं, यू शेप्ड ट्यूब होती है। हम करते क्या है, इसे यू शेप्ड ट्यूब को उठा के, और ये दोनों जो बीकर है इन दोनों बीकर का कनेक्शन कर देते हैं यही यू शेप्ड ट्यूब के साथ, मतलब इन दोनों बीकर में इस यू शेप्ड ट्यूब को लाके क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं इन दोनों बीकर के बीच में। अब देखो अब एक कनेक्शन तुमको ऊपर दिखेगा, दूसरा कनेक्शन नीचे दिखेगा, है ना, जिससे दोनों बीकर कनेक्टेड है, एक ऊपर सर्किट एक नीचे सर्किट, ठीक है। यही यू शेप्ड ट्यूब को हम क्या करते हैं, एक ब्रिज की तरह, देखो दोनों को जोड़ने का काम जो करे उसको ब्रिज बोलते हैं, इसका नाम, इसलिए इसका नाम सॉल्ट ब्रिज है। हम यही यू शेप्ड ट्यूब को उठाए और ला के दोनों बीकर के बीच में कनेक्ट कर दिए, क्लियर। अब यस सर। देखो अब करते क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो यू शेप्ड ट्यूब है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को भरते हैं ताकि क्या हो, कुछ चीजों को भरते हैं ताकि क्या हो, ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब कि यहां देखो जिंक 2+ बढ़ चुका था, यहाँ SO4 2- कंसंट्रेशन कम हो चुकी थी, यहाँ SO4 2- बढ़ा था और यहाँ Cu2+ कंसंट्रेशन कम हो चुकी थी, तो ये दोनों वापस से क्या हो, बराबर हो जाएं, अगर दोनों वापस से बराबर हो जाएंगी तो क्या फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन कहां से, एनोड से लगे कैथोड पे जाने लगे, है ना, तो इसी टर्म को बोलते हैं, दोनों को बराबर करने के टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का मतलब कि जिंक 2+
और SO4 2 माइनस दोनों का कंसंट्रेशन को सेम करना। सिमिलरली Cu2+ और SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन को सेम करना, इसी को बोलते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाए कहां से, कहां, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो हम करते क्या है ना, इस यू शेप ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, पढ़ा है ना, ऐसा एक यस ऐसे सर, सब्सटेंस होते हैं जिनको पानी में डाल तो क्या करते हैं, अपने आयंस भी डिसोसिएट हो जाते हैं, ये तो पढ़े हो। तो इसके अंदर यस हम सर, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हम क्या करते हैं, पेस्ट, एक पेस्ट लेते हैं, पेस्ट जो जेल टाइप पेस्ट होता है, ठीक है, जिसको सेमी सॉलिड पेस्ट बोला जाता है। कभी जस्ट जेली खाए हो, जेली खाए हो, जेली जेली है ना, तो बिल्कुल वो जेली की तरह एक पेस्ट होता है, इसलिए जेल का पेस्ट होता है ये। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके अंदर पेस्ट भर देते हैं जो जेल टाइप का पेस्ट होता है। और ये पेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तीन तरह के पेस्ट भर सकते हो आप, या तो जिलेटिन भर दीजिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ जिलेटिन मिला दीजिए, या फिर एल्बुमिन मिला दिया जाता है, या फिर अगर अगर पेस्ट, अगर अगर पेस्ट, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया या फिर इन तीनों में से कोई एक भर दीजिए, ठीक है। तो इन क्या किया, इसके बीच हमने, लेट सपोज हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और अगर अगर पेस्ट को मिला के भर दिया यहाँ, ठीक। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के। सबसे पहले मैं समझाऊंगा, अभी पहले एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर समझाऊंगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट क्यों लेते हैं, हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं ले सकते हैं, इनर्ट ही क्यों लेना है, मैं अभी समझाता हूँ, बट अभी नोट कर लो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल नोट कर लो, KCl हो सकते हैं, KNO3 हो सकता है, या फिर NH4NO3 हो सकता है, ये सारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहे जाते हैं। यानी KCl और मैंने अगर अगर पेस्ट दोनों मिला दिया और इसके अंदर भर दिया तो सॉल्ट ब्रिज हमारा तैयार हो जाएगा, या फिर KNO3 लिया और अगर अगर पेस्ट या जिलेटिन ले लिया तो हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाएगा, है ना। तो हम करते क्या, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट और साथ में जेल टाइप का पेस्ट होता है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट होता है ना, जेल पेस्ट जिसको बोलते हैं, सेमी सॉलिड पेस्ट होते हैं, वो दोनों को मिला के और सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर देते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने इसके अंदर क्या भर दिया, यहाँ KCl प्लस अगर अगर पेस्ट, अगर मगर पेस्ट नहीं, अगर अगर पेस्ट है ना, दोनों KCl के साथ साथ क्या भर दिया, अगर 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 पेस्ट, जो कैसा पेस्ट होता है, जेल टाइप पेस्ट होता है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, ठीक है, कंप्लीटली सॉलिड नहीं होता है, ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत कॉम्प्लेक्स और जल्दी समझ नहीं आता है बच्चों को ये। अब समझो, अब मैं यहाँ तुमको समझाता हूँ कि सर हमने नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं लिया, आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया। देखो इनर्ट का मतलब होता है ना कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेन रिएक्शन में पार्ट ना ले, क्लियर। इनर्ट का मतलब तो ये होता है ना कि जो मेन सेल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है उसको इनर्ट बोलते हैं, है ना, जो अपना काम तो कर देगा लेकिन एक्चुअली बीच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो कहीं, इसलिए यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब सवाल यह है कि सर इनर्ट ही क्यों लेते हैं, क्योंकि समझो, तो अगर मान लो अगर ये इनर्ट नहीं, अगर ये KCl की जगह मैं कुछ और ले लेता तो वो एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट होते, और वो क्या करते कि यहाँ जो जिंक है, जो जिंक 2+ है और SO4 2- है, अभी इसके अंदर सिर्फ दो ही आयंस है ना, अब अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोलाइट ले लेता तो ये जो आयंस है ना, क्या करते, ये सॉल्यूशन को डिस्टर्ब कर देते ना। अब जिंक और SO4 के साथ साथ कोई और भी आयंस आ जाता इसके अंदर। सिमिलरली यहाँ Cu और SO4 के अलावा अगर मैं कोई और इलेक्ट्रोलाइट लेता जो एक्टिव होता है ना, तो वो क्या करता कि जो तुम्हारा तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है रिएक्शन, जो तुमने भरा था ZnSO4 और CuSO4, उसके अंदर Cu और SO4 के अलावा और भी आयंस प्रेजेंट हो जाते और मेन सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगते, जिसके वजह से सेल रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाती, होती कि नहीं होती, अगर एक्टिव इलेक्ट्रॉन ले लेते तो। कि वो क्या करता, मेन सेल रिएक्शन में पार्ट ले लेता, जिसके वजह से क्या होता, अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो तो डिस्टर्ब होता ही, साथ में पूरा सेल रिएक्शन भी बिगड़ जाता, क्योंकि ये सेल रिएक्शन सिर्फ किस पे काम करता है, ZnSO4 और CuSO4, मतलब इसके अंदर सिर्फ जिंक के आयन होने चाहिए और SO4 के आयन होने चाहिए, कॉपर के आयन होने चाहिए और SO4 के आयन होने चाहिए। अदर देन अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रॉन भर दूं तो ये मेन सेल रिएक्शन को इफेक्ट कर देगा, मतलब कंसंट्रेशन को बदल देगा, जिसकी वजह से मेन सेल रिएक्शन पूरा बदल जाएगा। इसीलिए हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना जो इनर्ट हो, जो सिर्फ क्या करे, अपना काम करे और मेन सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने के और सीएल का, अब देखो समझो, अब ये होगा क्या, अब कैसे सर ये वापस से मेंटेन होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, दोनों का आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो सेम कैसे होगा सर। आओ समझो, देखो यहाँ क्या भर चुके थे,
जिंक 2+ बहुत ज्यादा मात्रा में भर चुके थे। सिमिलरली यहाँ क्या भर चुके थे ज्यादा मात्रा में, SO4 टू फोर प्लस टू माइनस क्योंकि Cu2+ का कंसेंट्रेशन कम हो चुका था, भर क्या गया था कम SO4 टू हो माइनस और इधर क्या भरते जिंक 2+। अब देखो होगा क्या, KCl+ अगर अगर पेस्ट है ना, तो KCl टूट जाता है किसमें, K+ और गया Cl- में। था। KCl किसमें टूटता है, KCl को जो हम भरते हैं सॉलिड ब्रिज के अंदर सेमी सॉलिड के साथ, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है किसमें, K+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाता है, K+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाता है। अब देखो अब होगा क्या, यहाँ जिंक 2+ है तो यहाँ पॉजिटिव है, तो जरूरत किसकी होगी, निगेटिव की। तो क्या नेगेटिव करता है ना कि इस ट्यूब के अंदर से Cl- यहां से आता है और क्या करता है, Cl- आता है और जिंक के साथ क्या करता है, कंबाइन करके जिंक को न्यूट्रलाइज कर की। देता है। सिमिलरली यहाँ SO4 2- है तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, जरूरत किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। तो यहां से इस ट्यूब के थ्रू K+ जाता है और K+ जाके कहाँ क्या करता है, यहाँ K+ आ गया और इन दोनों को मिला के SO4 2- क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके वजह से जो कंसंट्रेशन जो बढ़ी थी जिंक की वो क्या होती है, न्यूट्रलाइज होते जाती है, उधर से Cl आता है इधर से K जाता है, मतलब ट्यूब के अंदर मूवमेंट होता है किसका, किसका अपोजिट नेचर के, अपोजिट नेचर के आयंस का। सीएल जैसे अगर जिंक प्लस जिंक 2+ है तो इसके लिए Cl- मूव करके आएगा, माइनस और इसमें SO4 2- है तो K+ मूव करके आएगा और आके दोनों को न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि जो चार्ज डेवलप हुआ था, जो पॉजिटिव चार्ज पहले बीकर में था और जो निगेटिव चार्ज दूसरे बीकर में था, वो दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। इसी को बोलते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हम सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, अगर अगर पेस्ट भरा, KCl भरा, ठीक है साथ में, और जैसे हमने सर्किट को कंप्लीट किया और यहाँ जो हमारा बल्ब लगा था, अब हमने देखा तो ये बल्ब कंटिन्यूअस जल रहा था, अब ये बल्ब कंटिन्यूअस जल रहा था, मतलब कि वापस से सर्किट क्लोज क्या हो गई, एक दो सर्किट यहाँ हुई, एक तो ये एक्सटर्नल होगा। सर्किट और ये देखो इनर सर्किट, दो सर्किट हुई। सॉल्ट ब्रिज तो एक सर्किट की तरह काम कर रहा है ना, अगर यस सॉल्ट ब्रिज हटा दिया जाए तो अभी आधी सर्किट रहेगी, कंप्लीट सर्किट नहीं रहेगी, लेकिन सॉल्ट ब्रिज आ गया तो एक इनर सर्किट हो गई, एक आउटर सर्किट हो गई, यानी एक एक्सटर्नल सर्किट एक इंटरनल सर्किट, ये दोनों क्या हुए, इंटरनल सर्किट का काम क्या है कि पहले तो वो कंप्लीट करता है सर्किट को, दूसरा अगर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन यहीं से देखो तुम्हें पता चल गया, तो तुम यहीं से समझ सकते हो इसका मेन फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, चार्जेस के ओके कंसंट्रेशन को सेम करना, दूसरा टू कंप्लीट द इनर सर्किट, और तीसरा टू कनेक्ट द बोथ बीकर्स, दोनों बीकर्स को कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या किया, यस इनर सर्किट को मेंटेन किया ताकि कंटिन्यूअस करंट का फ्लो हमको मिले, फिर क्या किया, फिर क्या किया उसने, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा। तो पहले तुमने शॉर्ट भी समझ लिया कि इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब जिसके अंदर क्या भरा जाता है, विच इज फिल्ड बाई, विच इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस फिल्ड बाई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस जेल या पेस्ट। प्लस अगर अगर सेमी सॉलिड पेस्ट, क्लियर क्लियर सर यार, कितना जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग एकदम भद्दी हो गई है, फिर से लिखते थे, विच इज फील्ड बाई, विच इज फील्ड बाई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड इसको बोलते हैं पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हो, जिसको अगर अगर ये जो तीन पेस्ट है ना, इसको बोलते हैं पेस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉली एक सेकेराइड, या फिर अगर अगर बोल दो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है जो याद आए एग्जाम में वो टिक कर देना, ठीक है। ये सॉल्ट ब्रिज थी, अब इसका मेन फंक्शन आओ लिख लेते हैं, मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट प्लीज। सॉल्ट ब्रिज, आई थॉट की चीजें तुमको क्लियर हो गई हैं, ठीक है यस एकदम सर अच्छे से। पहला काम क्या है सॉल्ट ब्रिज का, टू कंप्लीट द इनर सर्किट, सर्किट टू कंप्लीट द इनर सर्किट इनर सर्किट, दूसरा टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल, न्यूट्रलिटी टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और तीसरा क्या है भाई, अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो क्या होगा ये सर्किट बस, पूरी नहीं होगी, हाँ ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज है वो होगी। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वापस से कोई वोल्टेज नहीं यस मिलेगा, मतलब कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं पाएंगे, है ना। तो थर्ड में लिख लो कि सर टू कनेक्ट बोथ दी बीकर्स,
और चौथे में लिख लो, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज क्या सर्किट होगा? इज ऑफ जीरो. वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो एंड द सर्किट गेट ब्रेक. सर्किट गेट्स ब्रेक. क्लियर क्लियर यस सर. एवरीबॉडी? सॉल्ट ब्रिज सबको समझ आया? यस सर, आ सबको गया. समझ आया सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट? समझ आया गैल्वेनिक सेल कौन समझ आया? कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सॉल्ट ब्रिज, रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इतनी सारी चीज हमने पढ़ ली अभी. देखो तो कितना फास्ट मूव कर रहे हैं. क्लियर? यस आओ अब मैं तुमको बताता हूं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है, देखो तो अब सब कुछ हमने इसके अंदर कवरअप कर लिया गैल्वेनिक सेल के अंदर, है ना, नेट सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन भी देख लिया. अब मैं तुमको सिखाता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? तो ये नोट करवा पाओ, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इसको जरा नोट करो. सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? आओ नोट करो. देखो अब जैसे बार बार इतना बड़ा, ये देखो अब हर जगह हम क्या करेंगे, हम ऐसे हर जगह बीकर तो नहीं बनाएंगे ना, हर जगह इलेक्ट्रॉड तो नहीं लगाएंगे, हर जगह बीकर बना, इलेक्ट्रॉड लगाना, फिर उनका कंसंट्रेशन मेंटेन करना, फिर सर इतना सारा डायग्राम बनाना, तो यार ये सब चीजें हर जगह हम नहीं करते. इसलिए हम क्या करते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर के, वो उनको हम एक, उनका एक तरीका हम अपनाते हैं जिनको सेल बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन. बार बार ये इतना सारा काम हमको नहीं करना पड़े, दो बीकर बनाना, इलेक्ट्रोड लगाना, ये सबसे छुटकारा पाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर दिया गया जिसको बोलते हैं सेल का रिप्रेजेंटेशन. अब सेल के रिप्रेजेंटेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है पहले वो देख लो, फिर मैं तुमको एग्जाम्पल दे देके सब कुछ समझा दूंगा बहुत आसानी से. सेल के रिप्रेजेंटेशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है कि देखो पहले तो हम एनोड का जो भी डेटा है वो यहाँ लिखते हैं, जिसपे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. फिर एक डबल डंडा ऑक्सीडेशन लगाते हैं, फिर इधर लिखते हैं कैथोड वाला पार्ट, जिसपे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन. रिडक्शन हो रहा होता है. ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो एट एनोड क्या हो रहा था, अगर मैं हाफ सेल रिएक्शन लिखूं तो एट एनोड क्या हो रहा था, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा था, जिंक टू प्लस में, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे. सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो एट एनोड क्या हो रहा था, कैथोड ना. सीयू, सॉरी दो दो बार एनोड लिख दिए, एट कैथोड क्या हो रहा था, सीयू टू प्लस जो है प्लस वो क्या कर रहा टू था, इलेक्ट्रॉन गेन कर यस, तो एट कैथोड क्या हो रहा था भाई, सीयू टू प्लस, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सीयू किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड में, किसमें कन्वर्ट हो रहा था, सॉलिड सॉलिड में. में. ये जिंक किसमें होगा, सॉलिड में. टू प्लस किस में होगा, एक्वस में, है ना, स्टेट तो पता है ना, टू प्लस जब भी आयंस होता है तो एक्वस लिखते हैं हम, है ना, जहां आयंस लिखा हो वहां क्या लिखेंगे हम, एक्वस लिखेंगे, और जिस पे आयंस नहीं है उसको क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे. तो ये तो क्लियर है, सॉलिड. ये लिखें, ये तो यस क्लियर है. अब देखो अब यही रिएक्शन के हेल्प से ना हम क्या करेंगे, बार बार इतना लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं. और सेल रिप्रेजेंटेशन का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, कि सबसे पहले तो एनोड के साइड जो जो हो रहा है उसको लिखो, ये डबल डंडा लगाओ, और फिर क्या लिखो, कैनोड कैथोड के साथ जो हो रहा है वो लिखो. एनोड पे क्या हो रहा होता है भाई, ऑक्सीडेशन. कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन. रिडक्शन. तो सबसे पहले पहचानो कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, साफ दिख रहा है पहले वाले रिएक्शन में सर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, रिडक्शन. क्यों? क्योंकि रिडक्शन. रिडक्शन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहां देखो ना, जिंक लॉस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है. ठीक, चलिए जी आइए देखिए अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं. आओ सबसे पहले तो एनोड पे लिखो, एनोड पे कौन सा, एनोड पे कौन सा मेटल है, जिंक है या कॉपर है, ये जिंक जिंक था है सर. ना, और ये क्या था, कॉपर था. तो एनोड पे कौन है, जिंक है. तो सबसे पहले क्या लिखो, एनोड पे क्या रहा, ऑक्सीडेशन. किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का. इसको लिखते हैं जिंक, एक सिंगल डंडा लगाते हैं, और ये जिंक कन्वर्ट किस में हो रहा है भाई, टू प्लस में, तो लिखते सॉलिड हैं जेड एन प्लस टू. टू प्लस ये एनोड वाला पार्ट हमने पूरा लिख लिया. फिर दो डंडा बड़ा सा लगाएंगे, फिर कैथोड पे जाओ, कैथोड पे कौन सा मेटल है भाई, कॉपर है, और कॉपर. कॉपर किस में है, कॉपर टू प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है. एनोड पे किस में जा रहा था, जिंक से, जिंक टू प्लस जा रहा था, तो मैंने लिखा जिंक एक डंडा, फिर जिंक टू प्लस, फिर डबल डंडा लगाए, फिर कैथोड पे जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि कैथोड वाला पार्ट हमको लिखना है. कैथोड पे क्या था, सीयू टू प्लस, किन में कन्वर्ट हो रहा था, सीयू में, हम क्या लिखेंगे, सीयू टू प्लस, एक सिंगल डंडा, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीयू में.
अब सबका स्टेट मेंशन कर दो। जिंक जो है इस पे कोई आयन नहीं है, मतलब ये सॉलिड स्टेट लिखा जाएगा। जिंक 2+ इसमें आयन है, मतलब क्या लिखा जाएगा, एक्वस। सिमिलरली Cu2+ आयन है, अगेन एक्वस। और Cu क्या है, कुछ नहीं है, मतलब अगेन सॉलिड। यही तो है बस सेल रिप्रेजेंटेशन। लो तुमने पूरे रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया, इसी को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेल रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जहां ये जो डबल डंडा है, ये डबल डंडे का मतलब है बीच में क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज लगा है। ये डबल डंडे का मतलब है कि बीच में क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज लगा है। सॉल्ट इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हमेशा क्या करते हैं, याद रख लो स्ट्रक्चर, याद कर लो। लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिखेंगे, राइट साइड हमेशा रिडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे। मतलब लेफ्ट साइड हम एनोड वाला पार्ट, राइट साइड हम कैथोड वाला पार्ट। मैंने तुमको रिएक्शन दिया और रिएक्शन से मैंने तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन समझा दिया कि जिंक किस में काउंट हो रहा है, जिंक 2+ में। तो जिंक एक सिंगल डंडा, Zn2+, फिर डबल डंडा, डबल डंडा का मतलब सॉल्ट ब्रिज, और फिर कॉपर 2+, फिर एक सिंगल डंडा, फिर किस में काउंट हो रहा है, कॉपर में। क्लियर यस क्लियर सर, क्लियर हो गया। यस सर, चलिए आइए, अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अब आप एक दो एग्जांपल देता हूं, फिर इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक। मैं सोचा था कि आज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ा दूंगा, बट चलो कोई बात नहीं, इन डिटेल आपको समझ तो आया। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में थोड़ा सा चीजें ज्यादा नहीं है, आई थॉट चीज आपको समझ आई होंगी, ठीक है। आइए अब क्या करते हैं, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें आपको लिखना है कि राइट डाउन दी करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। आपको रिएक्शन मैंने दे दिया, और रिएक्शन क्या है, पहला Zn से Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, ठीक है। चलिए इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हमको लिखना है, आओ लिखते हैं। सबसे पहले पीछे आ जाओ, क्या हमने देखा कि डबल डंडे के लेफ्ट साइड हम एनोड वाला पार्ट लिखेंगे सर, और डबल डंडे के राइट साइड हम कैथोड वाला पार्ट लिखेंगे। मतलब जो ठीक डबल डंडा है, मतलब बीच में सॉल्ट ब्रिज है, उसके लेफ्ट वाले साइड में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट लिख देंगे और राइट वाले साइड में रिडक्शन वाला पार्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले पहचानो किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। अरे यार साफ साफ तो नजर आ रहा है क्या, देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। से और रिडक्शन यहाँ हो रहा देखो, है। यहाँ Ag+ इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो Ag में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब सर जाहिर सी बात है ना, ये पक्का एनोड रहा होगा, है ना, और ये पक्का क्या रहा होगा, कैथोड रहा होगा। अरे सर बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। देखो अब यहाँ जिंक के ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड या एक्वस, सॉलिड सॉलिड। सर, सॉलिड जिंक के ऊपर चार्ज है, हाँ बिल्कुल, तो स्टेट क्या हो जाएगा, एक्वस। वेरी गुड। क्या Ag के ऊपर चार्ज है, हाँ है, तो स्टेट क्या हो जाएगा, एक्वस। एक्वस और क्या Ag के ऊपर यहाँ कोई चार्ज है लेफ्ट राइट साइड में, सॉलिड नहीं, तो हो जाएगा सॉलिड। अब सॉलिड सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं भाई, राइट साइड लेफ्ट साइड लिखो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, राइट साइड लिखो रिडक्शन वाला पार्ट। तो कहां से रिडक्शन कहां हो रहा है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हो रहा है जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। देखो जिंक कन्वर्ट हो वाला रहा है Zn2+ में, फिर लगाओ 2 डबल डंडा, फिर कहां Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। Ag एजी प्लस कहां प्लस कन्वर्ट हो रहा है, एक और डंडा में लगाओ Ag में। अब देखो जिंक जो है वो क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ सॉलिड स्टेट मेंशन कर दे। Zn2+ क्या एक्वस है, एक्वस है, तो एक्वस मेंशन कर दे। फिर Ag+ क्या है, एक्वस है, तो फिर एक्वस एक्वस मेंशन कर दो। और Ag क्या है, सॉरी सॉलिड है, तो सॉलिड मेंशन कर दो। लो दिस इज योर करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, यस सर, सबको क्लियर हो गया। यस सर, चलो तो दिस इज योर करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन। अब एक और एग्जांपल दे दें, आओ एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी में। और देखो अगला एग्जांपल ले लो, अगला एग्जांपल ले लो, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में ले लो, ले लो कि इस पास जो सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें देखो पीछे सेल रिएक्शन दिए हुए थे वो हाफ हाफ दिए हुए थे, है ना, आधे आधे रिएक्शन दिए हुए थे, क्लियर। लेकिन अब मैं तुमको एक कंप्लीट सेल रिएक्शन देता हूं, और इससे तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। यहां गिवन है क्या, सेल गिवन है Zn+ H2SO4 गिव्स यू Zn SO4 प्लस H2। अब ऐसा आ जाए सर, अगर एक ही में मिला के कंप्लीट सेल रिएक्शन आ जाए तो कैसे लिखेंगे सर सेल रिप्रेजेंटेशन, आओ समझो ध्यान से। कुछ नहीं यार, सेम चीजें करनी है, स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, बस तुमको समझ लेना है कि आयंस कितने हैं,
कितना चार्ज है और कहां से कहां जा रहा है, सबसे पहले समझो। यहां देखो, यहां जिंक था है ना, और यहां क्या बना, जिंक जिंक सल्फेट। सल्फेट। अब ये बताओ, जिंक जो है वो यहां सिंगल था, अब बना है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट कैसे बना होगा? जाहिर सी बात है यार, अगर जिंक टू प्लस में प्लस कन्वर्ट रहा होगा तभी तो फोर SO4 टू माइनस के साथ कंबाइन हुआ होगा, दोनों का चार्ज यस सेम रहा होगा तभी तो कॉम्बिनेशन हुआ होगा, मतलब ये दोनों मिलके ZnO जिंक सल्फेट बनाए होंगे। मतलब ये तो समझ आ गया सर कि यहाँ जो जिंक है ना वो किसमें वो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ सब जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में। अभी तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, और यहाँ यस सर। देखो यहाँ H2SO4 है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 में। मतलब सर अगर H2SO4 बनाना है हमको तो हम क्या करेंगे, 2H+ चाहिए हमको और साथ में SO4 2- चाहिए, अरे तभी तो ये सो दोनों मिलके H2SO4 बनाएंगे। इसका मतलब कि सर यस ये तो समझ आ गया कि अगर H2SO4 से H2 जाना है ना, मतलब यहाँ क्या है, H+ आयन का क्या हो रहा है, यहाँ जो H है वो H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कहाँ किधर जा रहा है, H2 बन रहा है, सॉलिड में यानी H2 सॉलिड बना रहा है। क्लियर? यस सर ठीक है, सॉलिड यहाँ मत लिखना, यहाँ गैस लेना, H2 गैसेस स्टेट में होता है ना, सॉलिड में नहीं यस होता सर। है, हाँ तो उसके स्टेट के अकॉर्डिंग तो मेंशन करना है ना। तो ये तो समझ आए कि चार्जेस कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, और यहाँ देखो 2H+ कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ 2 लगा लो ना, यहाँ 2H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बोलता है भाई, कि लेफ्ट साइड लिखिए ऑक्सीडेशन, राइट साइड लिखिए रिडक्शन, तो कुछ नहीं करना है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक बार तुम क्या करो खुद एक बार रिएक्शन लिख लो अलग अलग करके, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, अगर इनका आधा आधा रिएक्शन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और नीचे लिखूं अगर H2SO4 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां जो है 2H+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, टू H2 में में, यहाँ 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2 H2 में, में और यहां हो क्या रहा है, रिडक्शन वेरी गुड। अब तो बहुत आसान हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे लिखेंगे भाई, जिंक सिंगल डंडा Zn+2, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है ना, लेफ्ट साइड में क्या यस लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है भाई, जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और लेफ्ट साइड रिडक्शन वाला पार्ट में क्या हो रहा है, रिडक्शन H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। अब याद रखना यहाँ जो 2 लिखा हुआ है ना, ये बस इसमें मत लिखना, इसमें नंबर नहीं लिखते हैं, सिर्फ आयंस देख लो, ठीक है, यहाँ आगे 2 लगा हुआ है H+ के, तो 2H+ मत लिख देना, सिर्फ नंबर लिखना, क्या लिखना, ये आयंस वाला पार्ट लिखना, नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करना है। पहले जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में, प्लस डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड नहीं मतलब 2 डंडा, फिर यहाँ H+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में, एच टू यहाँ आगे में 2 मत लगाना, ठीक है, नंबर नहीं लिखते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन में, याद रखना। अब स्टेट लिख लो, जिंक तो यहाँ था सॉलिड, और ये क्या था, एक्वास, ये यस क्या था, एक्वास, क्योंकि चार्ज है, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस में, एच टू यस गैस होता है ना। लो हो गया तुम्हारा सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट रिएक्शन के लिए भी। क्लियर? किसी को कोई सर भी डाउट, किसी को कोई भी डाउट, नहीं नहीं है ना, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया कि नहीं सीख लिया, हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। यस सर चलिए, सी सो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे जो है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाला पार्ट, जो ही इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल खत्म होगा लेक्चर में हम करेंगे, देखो क्या क्या करेंगे मैं बताता हूँ, लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल करेंगे है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल करेंगे, उसके बाद हम नर्स्ड इक्वेशन में बढ़ेंगे, नर्स्ड इक्वेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे SHE, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम चल जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसमें हम कोलरॉस ला है ना ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, मोलालिटी मोलारिटी, लैम्डा एम की वैल्यू, लैम्डा एम नॉट की वैल्यू, पढ़े होंगे ना सभी, तो धीरे धीरे हम इस सब को बाइंड अप करते जाएंगे। आज का सेशन में देखो काफी कुछ हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए ये स्पीड अप रैपिड सेशन है, ठीक है, तो हम मेन मेन चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खैर मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी, बट मैंने जल्दी से तुमको समझा दिया, ठीक है, तो आई थॉट आज का सेशन तुम्हारे लिए काफी इफेक्टिव रहा होगा, आज का सेशन को यही एंड